अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सरफराज हुसैन है यार। न्यू अपडेट के साथ प्राइमरी सॉल्यूशन में वेलकम करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं, वो मैं यूनिवर्सिटी मुल्तान की मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो आप परेशान ना हों, वो मैन यूनिवर्सिटी मुल्तान की मेरिट लिस्ट अनाउंस हो चुकी है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है। तो आपने क्या करना है, जस्ट अपना ब्राउज़र ओपन करना है, बस ये वीडियो एंड तक देखनी ताकि आपको कंप्लीट पता चल सके कि आप अपनी मेरिट लिस्ट किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट टाइप करना है वो मैन यूनिवर्सिटी मुल्तान मेरिट लिस्ट 2020। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह के मुख्तलिफ लिंक्स नज़र आएंगे। आपने क्या करना है, ये जस्ट फर्स्ट वाला लिंक ओपन करना है, आप देख सकते हैं। जैसे ही ये लिंक ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला डायरेक्ट लिंक ओपन करें तो आप इसी वीडियो से ये वाला लिंक देख के खुद सर्च कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं, यूनिवर्सिटी के मुतलक अपडेट्स प्रोवाइड की गई हैं। तो आपने क्या करना है, मेरिट लिस्ट की डिटेल प्रोवाइड की गई है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट 24 सितंबर को अनाउंस की गई है, सेकंड मेरिट लिस्ट 28 को अनाउंस कर दी जाएगी, इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ एंड रिजर्व कोटा मेरिट लिस्ट भी 2 अक्टूबर को अनाउंस कर दी जाएगी। तो आपने क्या करना है, जिनका नाम 24 सितंबर मीन के आज फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया, उन्होंने 25 लास्ट डेट है ड्यू पेमेंट करने की। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मेरिट लिस्ट चेक कर लेनी है, मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद उन्होंने आज ही फ़ी पे कर देनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके यूनिवर्सिटी चले जाना है। तो क्या करना है, किस तरह से मेरिट लिस्ट चेक करनी है, ये सारा आपने डिटेल पढ़ ली है, देख ली है। उसके बाद आपने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मेरिट लिस्ट इस पे इसी पेज पे आपको MSc MA मेरिट लिस्ट, MS MPhil की और PhD तमाम डिप्लोमा और इवन के यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्ट प्रोवाइड किए गए हैं आपको यहाँ से मेरिट लिस्ट मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप BS प्रोग्राम की चेक करें। उसके अलावा आपने क्या करना है, ये सारी तमाम डिपार्ट्स तमाम सब्जेक्ट्स की मेरिट लिस्ट हैं आपने ओपन करनी है। आप किसी भी सब्जेक्ट्स की मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपने एक बार अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। और जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ बॉटनी की मेरिट लिस्ट चेक कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है कि व्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। अगर मैं व्यू लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँगा तो मैंने डाउनलोड पर क्लिक करना है, वो मुझे डाउनलोड का ऑप्शन देगा, स्टार्ट डाउनलोड कर लेनी है, इसके बाद आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली व्यू करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं, मीन कि आपको इसी जगह पे तमाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, आप एक बार ख़ुद भी अगर इधर से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर खुद डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप ईज़िली कर सकते हैं, मैंने सारा तरीका आपको बता दिया है। आपने क्या करना है, ये तमाम लिस्ट देख लेनी है। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट एंड हुई है वो 83.48% पे क्लोज़ हुई है बॉटनी की। तो आपने क्या करना है, ये सारा वो करने के बाद आपने क्लोज़ पे क्लिक करना है। अगर आप किसी और डिपार्ट की चेक करना चाहते हैं, जिस तरह से मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की चेक कर रहा हूँ, तो आपने व्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। व्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये तमाम लिस्ट ओपन हो गई। आपने ये आप अगर यहाँ से भी देखना चाहते हैं तो मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा देखने के बाद अगर आपका नेम नहीं आया तो आपने सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का वेट करना है। तो ये टोटल नेम्स हैं, तो आपने देख लेना है कि केमिस्ट्री के जो क्लोजिंग लिस्ट है वो है 87.65। तो यहाँ से आप अपनी कंप्लीट वो चेक कर सकते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप और डिपार्टमेंट की चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड अगर आपका नेम नहीं आया तो आपने सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आपको फौरन ही जवाब मिल जाएगा, आपकी सलूशन आपके प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको रिप्लाई के ज़रिए तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।